नमस्कार दोस्तों, पावर ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। और आज हम करेंगे सी प्लस प्लस के अंदर व्हाइल लूप का ही एक एग्जांपल कि हम फैक्टोरियल नंबर कैसे फाइंड करेंगे यूजिंग व्हाइल लूप। तो मैं यहां पर क्या करता हूं, सबसे पहले दो हेडर फाइल्स का यूज कर लेता हूं, इंक्लूड iostream.h और इंक्लूड conio.h। void main और यहां पर एक वेरिएबल ले लेता हूं int a मेरे लूप काउंटर के लिए। क्लियर स्क्रीन। अब ए के अंदर मैंने वैल्यू पास कर दी 1, क्योंकि मुझे फैक्टोरियल फाइंड करना है तो मैं यहाँ 0 असाइन नहीं करूंगा, मैं 1 असाइन करता हूँ। और मैं अब यहाँ पर लूप लगा देता हूँ व्हाइल ए लेस देन इक्वल टू 5, कि जब तक वो लेस देन इक्वल टू है 5 के, वो इस वर्किंग को परफॉर्म करता रहे। उसको वर्किंग क्या करनी है, मुझे फैक्ट फाइंड करना है तो मुझे एक और वेरिएबल चाहिए। यहाँ मैंने फैक्ट नाम से ही बना लिया और इस फैक्ट को भी मैं यहाँ पर 1 ले लेता हूँ, मैं 0 नहीं यूज करूंगा, मैं 1 ही यूज करूंगा। अब मैंने फैक्ट वेरिएबल यहाँ पे लिया और यहाँ पर कर दिया फैक्ट मल्टीप्लाई बाय ए, जो रिजल्ट है वो फैक्ट के अंदर स्टोर हो जाए। अब अगर मैं इस काम को लूप के अंदर करता हूं, फैक्ट ऑफ ए इज, तो ये वर्किंग मुझे कुछ इस तरह से परफॉर्म करनी पड़ेगी। तो मेरा फैक्ट क्या है, फैक्ट ए प्लस प्लस, कि जब तक वो 5 नहीं हो जाता आगे वर्किंग को परफॉर्म करता रहे। मैं कंट्रोल F9 करता हूं तो वो मुझे रिजल्ट प्रोड्यूस करवा देता है कि 1 का फैक्ट कितना है, 2 का फैक्ट कितना है, 3 का कितना है, 4 का कितना है, 5 का कितना है। अब ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं ऑपरेशन कैसा परफॉर्म करवाना चाहता हूँ। सपोज कीजिए मैं कहता हूँ कि मुझे सिर्फ 5 का ही फैक्ट देखना है, तो अब ब्रेसिस को यहाँ पे बंद कर दीजिए, इंक्रीमेंट इसके अंदर कर दीजिए, इस ब्रेसिस को आप हटा दीजिए। तो आप कंट्रोल F9 जैसे ही करोगे तो आपके पास 5 का ही फैक्ट दिखाएगा, 5 का ही फैक्ट दिखाएगा, वो आपको शो कर देगा। यहाँ पर आपको a-1 करना पड़ेगा क्योंकि आपका वो लूप के बाद बाहर गया है, तो इसलिए उसकी वैल्यू 6 हो चुकी थी। तो मैं यहाँ पर इसको कर सकता हूँ इस तरह से और ये अब इसका मुझे एग्जैक्ट रिजल्ट दिखाएगा कि मेरे पास जो रिजल्ट आया है वो कितने का आया है, 5 का, 120। अब कई बार मेरी रिक्वायरमेंट ये हो जाती है कि मुझे अपने हिसाब से फैक्ट चेक करना है कि यूज़र चेक करे, नंबर डाले और उसके बेस पर वो वैल्यू निकाले, यानी कि n नंबर्स फैक्टोरियल। तो मैं यहाँ पर एक n नंबर लूंगा, मैं यहाँ सी आउट करवा देता हूँ। और इसके अंदर मैं देता हूँ एंटर लिमिट, लिमिट मैंने प्रोवाइड करवाई, सी इन करवाया n के अंदर और यहाँ पर मैंने n को प्रोवाइड कर दिया। अब अगर मैं प्रोग्राम को कंपाइल करूँगा तो वही प्रोग्राम मेरा चल रहा है, जितने मैं नंबर यहाँ डाल दूंगा ये उसके हिसाब से मुझे फैक्टोरियल प्रोवाइड कर देगा। अब मैं कहता हूँ कि मुझे यार एक बार सबका फिर से वैसा ही फैक्टोरियल देखना है, तो आपको जस्ट इस ब्रेसिस की पोजीशन को चेंज करना है। ये 10 नंबर तक आपको फैक्टोरियल बता देगा कि टोटल आपके पास क्या फैक्टोरियल आया है। लिमिट मैंने डाली जैसे यहाँ पर 7, तो 7 तक ये ठीक दिखाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसका डाटा टाइप चेंज करना पड़ेगा क्योंकि इंटीजर को स्पेसिफिक वैल्यू तक ही इसको चेक करता है। तो मैंने यहाँ लॉन्ग कर दिया। अब मैं इसको रन करता हूँ और मेरा जो रिजल्ट है वो मेरे लिए एक्यूरेट रिप्रेजेंट हो जाएगा, जो भी आपका रिजल्ट है इसने शो कर। मैं कहता हूँ कि मुझे 12 तक देखना, तो ये 12 तक मुझे शो कर देगा। तो आपके पास इजीली ये वर्किंग यूज हो जाती है कि आप किस तरह से फैक्ट नंबर को यहाँ पर फाइंड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की क्लास में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।